मैं बचपन से नाचती थी, मुझे नाचने नहीं दिया जाता था। उसके पहले की पुरानी वीडियो में आप देखेंगे, बोलती मुझे बचपन से नाचने का, ठुमके लगाने का बहुत शौक, मैं कमरा बंद कर करके मैं नाचती थी। मेरे चाचा के कौन किसका नाम उसने ली थी कि वो, उन्होंने भी मुझको, मुझ पर नजर रखते थे मुझको, मैं चोरी छुपे में ये सब करती थी, नाचती थी। बाकी धर्म वगैरह चेंज करने का तो कभी ये सब सामने नहीं आया था, लेकिन नाचने के ऊपर बोलती थी। तो जब इसको ठुमके ही लगाना था, बियर बार में जाना था, नंगे होके पूरा जिस्म की नुमाइश करना था, तो ये कौन से एंगल से ये बोल सकती कि मैं माँ हूं? हाँ, मैं माँ हूं, मैं बच्चों पर अपने माँ का हक जता सकती हूँ, बच्चों की परवरिश कर सकती हूँ। माँ ऐसी होती है, बोलती है मैं प्यार में आई, तो प्यार तो कुर्बानी में था। वाकई में इतनी बड़ी औरत, 50-60 साल की औरत दिखती है, इतनी अभी से उसको जो जवानी फूटी थी, उसको इतना छोटा छोकरा, 18-19 साल के छोकरे से उसको इतनी मोहब्बत हो गई थी इतनी बुढ़िया को, हाँ, तो कुर्बानी दे देती थी ना। इतना छलांग ने, इतना पूरा फलांग कर, पूरा वहां से पाकिस्तान फलांग कर इंडिया आई, शौहर के साथ गद्दारी करी, वो उसको समझ में नहीं आता है। उसको क्या बोलती है कल के उसमें कि फांसी तुम लगा लो। वो क्यों फांसी लगाए? मेरा भाई क्यों फांसी लगाएगा? फांसी तो इंशाल्लाह ये खुद लगाएगी। फांसी क्या, फांसी से भी बदतर इसकी जिंदगी अल्लाह ताला करेंगे। ये मरना भी चाहेगी तो उसको मौत नहीं होगी, जिंदगी भी चाहेगी तो उसको जिंदगी नहीं मिलेगी तनवीर भाई। ठीक है, पूरी दुनिया की दुआएं हैं, पूरी दुनिया प्रे कर रही है, दुआएं कर रही है, और दुआ मोमिन का हथियार होता है, और दुआओं से तो बोलते हैं ना बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। कितना भी ये बंदर की तरह चौकड़ियां मार ले, सीमा मार ले, वो एपी सिंह मार ले, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। काला जादू ये कुछ वीडियो में सुनने में आया था क्या? काला जादू और पीला जादू जो करने जाता है ना, बुरे अंजाम का बुरा नतीजा होता है तनवीर भाई। ये करने जा रही है ना, ये एपी सिंह करने जा रही है, बंगाली बाबा और कौन से बाबा, जिसको भी बुलाए, जो भी करे, क्योंकि हम गलत नहीं है, यहाँ पर रोशन भाई गलत नहीं है, हैदर भाई गलत नहीं है, जब गलत नहीं तो उनके साथ गलत भी नहीं होएगा इंशाल्लाह। कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, और इतना एटीट्यूड और इतना घमंड और इतना तकब्बुर, ये कभी किसी को पसंद नहीं, ना दुनिया में इंसान को पसंद, ना अल्लाह को पसंद, ना भगवान को पसंद। अपने आप को जो जता रही है, बता रही है, ये अपने ये दरअसल इससे ये खुद अपने लिए कुआं खोद रही है, उसी कुएं में, उसी खाई में ये खुद गिरने वाली है। और ऐसी इबरतनाक इसकी जिंदगी होएगी ना, दुनिया वाकई में इबरत हासिल करेगी इसको देखकर। इसके जैसी कोई नहीं दुनिया में, ना हिंदुओं में है, ना मुसलमानों में है, कोई नहीं है। कोई मुसलमान औरत, कोई हिंदू औरत, कोई नहीं है। सब अपनी घर गृहस्थी, अपना शौहर, अपना हस्बैंड, अपना पति सब लेके रहते हैं, मालूम है। और चार दीवारी में भी रहते हैं, देखो हिंदुओं में, देखो घूंघट डाल के रहते हैं, पर्दे में डाल के रहते हैं, पर्दे में रहते हैं, मारवाड़ी देखो, सुनार देखो, हाँ, गुजराती देखो, हमारे आँख के सामने ना, सूरत के देखो, गुजरात के देखो, देखो कितने पाक दामन रहती है, कि उनकी तारीफ ही करते रहो, उनके साथ सबका हमारा आना जाना, मेल जुल हम सब जानते हैं। लेकिन ये देखो, ये कैसा रिलीजियस कार्ड खेल रही है, आप इसको देखिए, और दुनिया भी देख ही रही है ना। हिंदुस्तान की महिलाएं, चाहे वो हिंदू मजहब से हो, चाहे मुस्लिम मजहब से हो, सिंपल रहती है, एकदम सिंपल। हाँ, शादी ब्याह का कोई मौका है, कोई ओकेजन है, कोई पार्टी है, कहीं जाना है तो तैयार होकर निकलती है। उसके अलावा यहाँ तक घूमने भी जाती है, तो इसके जैसा इतना बन ठन के, और इतना क्या बोलना चाहिए, सही में बोले ना हैदर भाई, दो किलो का थोप लेती है पाउडर। वो दीन इस्लाम को बदनाम कर रही है, तो वो बताइए, हम तो यहाँ पे इंडिया के है ना, हमारी तो पैदाइश इंडिया की है, पूरी जिंदगी हमारी 40 साल जो निकल गई हमारी इस इंडिया में, तो हम तो देखे हमारे आजू बाजू पूरी दुनिया कहाँ नहीं, पूरा नकाब में बोलते ना, यहाँ वहां पे नकाब लेते हैं, वहां पे चुन्नी लेते हैं, तो यहाँ पर कौन सा नहीं लेते, यहाँ पर स्कार्फ लेते हैं, दुपट्टा लेते हैं, चुन्नी लेते हैं, बुरके में रहती है, यहाँ तक के हैंड ग्लोव पहनी रहती है, पैर में सॉक्स पहनी रहती है, इतने पर्दे वाली औरतें होती है, अब उसको क्या मालूम। और मेकअप का बोलती है कि वहां पे मेकअप नहीं करने दिया जाता था, तो ये बताइए मेकअप मतलब कौन करता है, वो बेवकूफी गधा होगा ना। हाँ, इस्लाम बिल्कुल सख्त नहीं होता है, हर जगह है, चाहे इस्लाम हर जगह एक नजरिया देखा जाता है, एक जैसा, एक खाना काबा है, सब वहीं जमा होते हैं, सब वहीं हज बैतुल्ला पे जाते हैं, वहीं उमरा करते हैं, वहीं हज करते हैं, सबके लिए एक पूरा कायदा कानून शरीयत ने अपने हदीस से लागू किया है, तो कोई अलग अलग है नहीं। वो उसकी सोच ऐसी है, उसने अपनी सोच और उसके अंदर जो सोच बैठाने वाला वो एपी सिंह है, और कौन है, और वो ये क्यों कर रही है, वो बार बार पाकिस्तान को वो इतना बदनाम क्यों कर रही है, वो इस्लामिक मुल्क को क्यों बदनाम कर रही है, ताकि यहाँ की गवर्नमेंट देखे कि ये अब तो हमारे मजहब में आ गई है। वो क्योंकि रिलीजियस कार्ड खेल रही है, हमारे मजहब में आ गई है, तो अब इसको हम
हमारे मजहब में ही रखेंगे, अगर वहां जाएगी तो उसकी जान को खतरा रहेगा, क्योंकि ये खुद बोल रही है, एपी सिंह खुद बोल रहा है, और ये बच्चे लोग को तो जाहिर बात है ढाल बना के रखी है, क्योंकि बच्चे है तो वो है, बच्चों के दम से वो है कि नहीं, ये बच्चों का कोई हक नहीं होता। कैसे हक नहीं होता, अकेले में क्या बच्चे पैदा करी थी, डिजिटल पैदा करी थी, हवा में पैदा करी थी। गुलाम हैदर भाई का पूरा हक होता है, 50% पूरा हक होता है, और बल्कि इसने तो माँ का हक खो दिया। माँ कैसी माँ होती है, माँ का क्या हक होता है, क्या इसको नहीं मालूम है? एक माँ के पेट से जनी थी ना, तो नहीं मालूम इसकी माँ कैसी थी, किस तरीके से थी, किस तरीके से परवरिश पाई। लेकिन बोलते हैं ना पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, उसमें से ये एक निकल गई, ये एक, बाकी की तो बहनें नहीं होंगी ऐसी, अल्लाह नहीं करे वैसा हो, लेकिन ये एक। और इसने शुरू से देखो अपना क्या बोली थी, आवार उन्हीं पे पलटेगा, बिल्कुल नहीं होएगा। बस हम सब भाई बहने, सारे हिंदुस्तान की अवाम जनता, हिंदू मुस्लिम सब एक है, और सब हम सब आप लोगों के साथ है, कदम पीछे कभी नहीं करेंगे, हमारे कदम का, क्योंकि हम ईमान पर, अपने ईमान पर हम पक्के हैं, हम कायम है, हम ईमान, हमारा ईमान जिसका जितना पुख्ता होगा वो आखिर दम तक साथ देगा, मैं इतना जानती हूँ। और दुनिया क्या है कितना, देखो जो आसमान पर थुकेगा ना वो थुकती है ना क्या क्या बोलती है, तो जब आसमान पे इंसान थुकेगा तो थुक तो उसी के मुंह पे गिरेगा ना, और गिर भी तो रहा है, ये भी तो बात है, गिर रहा है, लेकिन उसको उस बात को वो कर रही, नकार रही है, और सामने वाले पे उंगली उठा रही। क्या टारगेट इसके बच्चे, ये बच्चे इसको चाहिए, बच्चे नहीं देगी वो, देखना वो किसी ना किसी तरीके से अपना हरबा अपना डालती रहेगी, अपना कुछ ना कुछ मोहरा फेंकती रहेगी, और वो इंतजार में है कि सामने से कुछ एक्शन हो तो उसका इस दर से रिएक्शन हो, क्योंकि सामने से वो ना हैदर भाई को उकसा रही है और सबको बोल रही है, जलाल में ला रही, ताकि पाकिस्तान वाले कुछ ऐसा ओल्ड फोल बोले, कुछ ऐसा उनका क्लू मिले, कुछ ऐसा पॉइंट मिले, ताकि वो इनके रिकॉर्डेड में हो और ये सामने रखा जाए। लेकिन यहाँ पर बोलते ना ये पब्लिक है, सब जानती है, सब जानती है, सोचती अगर वहां पर जाऊंगी तो वहां पर ठुमके लगाने नहीं मिलेगा, यूं इस तरीके से मुझे नंगा नाच करने नहीं मिलेगा, अब तो और नहीं मिलेगा, पहले ऐसा तो पोशीदा तरीके से कर रही थी, अब तो मैं और भी नहीं कर सकती हूँ, जो कर रही थी वो भी रही, बची कुची कसर वो भी चली गई, तो अब तो मैं क्या करूं, क्या करूं कि मैं यही सड़ू यही पड़ू, लेकिन वहां नहीं जाऊं और मेरे बच्चे नहीं जाए। दावत दे रही है कि जो शादीशुदा औरतें हैं, कुंवारी नहीं, जो शादीशुदा औरतें हैं पाकिस्तान में हैं, जो चाह रही है किसी हिंदुस्तानी कोई लड़के को, आदमी को अगर पसंद कर रही है, औलाद को छोड़ कर आओ या औलाद को लेकर आओ, आदमी का पीठ में छुरा घोप दो, खंजर घोप दो, धोखा करो, सब बेचबाज के आ जाओ या छोड़ के आ जाओ, लेकिन आ जाओ, बस आ जाओ, यानी सबको ये सबके घर गृहस्थी तोड़ने का ये रास्ते बता रही है, बगैर तलाक के, बगैर डिवोर्स के, बताओ एक गैर आदमी के साथ रह रही है, छोकरे के साथ रह रही है, लोगों के साथ रह रही है, बिस्तर पे रह रही है, कमरे में रह रही है, ये हरामकारी नहीं है, जिनाकारी नहीं, तो क्या है ये, तो जानिया औरत हुई ना, ये औरत तो जानिया हुई, जिनाकारी हरामकारी वाली औरत है। भले मेरे को नागरिकता नहीं मिला, लेकिन मैं यही रहूंगी, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं जाना है, मुझे यही रखो, मैं यही रहूंगी, कि चाहे जेल में डाल दो लेकिन मैं यही रहूंगी, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। दुनिया भर की जिम्मेदारियां औरत को उठानी पड़ती है मेरी बहन, कितना काम करना पड़ता है, वही एक काम होता बच्चों की लाइन से, पढ़ाई की लाइन से, इंस्टीट्यूशन की लाइन से, मदरसे की लाइन से, बाजार की लाइन से, बीमार हो तो डॉक्टर के पास लेके जाओ, भागो, झाड़ू लगाओ, पोछे लगाओ, बर्तन माजो, कपड़े धो, सब तो करना तो पड़ता है, किसको करना पड़ता है, हमी को, लेकिन हमको कोई इस बात से बिल्कुल दो राय नहीं है, हम खुशी खुशी करते हैं और हमारे खुद शोर बाहर रहते हैं और हम उसमें ही खुश हैं, दो साल पे तीन साल पे आते हैं तो भी हम खुश है भाई, हमारी रोजी रोटी बाहर की लिखी है अल्लाह की तरफ से, तो हमारी तरह तो कई भाई बहनों की है ना, तो क्या वो छोड़ देते हैं, क्या उनको अपने औलादों से अपनी बीवियों से प्यार ही नहीं रहता है? मैं बचपन से नाचती थी, मुझे नाचने नहीं दिया जाता था, उसके पहले की पुरानी वीडियो में आप देखेंगे, बोलती मुझे बचपन से नाचने का, ठुमके लगाने का बहुत शौक, मैं कमरा बंद कर करके मैं नाचती थी, मेरे चाचा के कौन किसका नाम उसने ली थी कि वो, उन्होंने भी मुझको मुझ पर नजर रखते थे, मुझको मैं चोरी छुपे में ये सब करती थी, नाचती थी नाचती थी, बाकी धर्म वगैरह चेंज करने का तो कभी ये सब सामने नहीं आया था, लेकिन नाचने के ऊपर बोलती थी, तो जब इसको ठुमके ही लगाना था, बियर बार में जाना था, नंगे होके पूरा की नुमाइश करना था, तो ये कौन से एंगल से ये बोल सकती कि मैं माँ हूं, हाँ मैं माँ हूं, मैं बच्चों पर अपने माँ का हक जता सकती हूँ, बच्चों की परवरिश कर सकती हूँ, माँ ऐसी होती है, बोलती है मैं प्यार में आई, तो प्यार तो कुर्बानी में, वाकई में इतनी भी औरत 50-60 साल की औरत दिखती है, इतनी अभी से उसको जो जवानी फूटी थी, उसको इतना छोटा छोकरा 15-18-19 साल के छोकरे से उसको इतनी मोहब्बत हो गई थी इतनी बुढ़िया को, हाँ तो कुर्बानी दे देती थी ना,
इतना छलांग ने इतना पूरा फलांग कर पूरा वहां से पाकिस्तान फलांग कर इंडिया आई शौहर के साथ गद्दारी करी, वो उसको समझ में नहीं आता है, उसको क्या बोलती है कल के उसमें कि फांसी तुम लगा लो। वो क्यों फांसी लगाए, मेरा भाई क्यों फांसी लगाएगा, फांसी तो इंशाल्लाह ये खुद लगाएगी, फांसी क्या, फांसी से भी बदतर इसकी जिंदगी अल्लाह ताला करेंगे। ये मरना भी चाहेगी तो उसको मौत नहीं होगी, जिंदगी भी चाहेगी तो उसको जिंदगी नहीं मिलेगी तनवीर भाई, ठीक है। पूरी दुनिया की दुआएं हैं, पूरी दुनिया प्रे कर रही है, दुआएं कर रही है, और दुआ मोमिन का हथियार होता है, और दुआओं से तो बोलते हैं ना बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। कितना भी ये बंदर की तरह चौकड़ियां मार ले, सीमा मार ले, वो एपी सिंह मार ले, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। काला जादू ये कुछ वीडियो में सुनने में आया था, क्या काला जादू और पीला जादू जो करने जाता है ना, बुरे अंजाम का बुरा नतीजा होता है तनवीर भाई। ये करने जा रही है ना, ये एपी सिंह करने जा रही है, बंगाली बाबा और कौन से बाबा जिसको भी बुलाए जो भी करे, क्योंकि हम गलत नहीं है, यहाँ पर रोशन भाई गलत नहीं है, हैदर भाई गलत नहीं है, जब गलत नहीं तो उनके साथ गलत भी नहीं होएगा इंशाल्लाह। कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, और इतना एटीट्यूड और इतना घमंड और इतना तकब्बुर, ये कभी किसी को पसंद नहीं, ना दुनिया में इंसान को पसंद, ना अल्लाह को पसंद, ना भगवान को पसंद। अपने आप को जो जता रही है बता रही है, ये अपने ये दरअसल इससे ये खुद अपने लिए कुआं खोद रही है।